हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल पर यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। उसके बाद ये जो बेल बटन देखते हैं आप, इस पे क्लिक करें। फिर यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फिर से एक नया वीडियो बना रहा हूँ एंड दिस इज द वीडियो अबाउट दैट हाउ यू वेलकम अ गेस्ट। कोई आपके घर में आए तो आप उसे कैसे वेलकम करते हो, तो कुछ सिंपल जो कॉमन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि गेस्ट को आए तो कैसे दरवाज़ा खोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंदर कैसे ले जाते हैं, कैसे उनको हम कोई चीज़ ऑफर करते हैं चाय पीने के लिए, या हम कुछ मींस जो कॉमन है जो हर कन्वर्सेशन में होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे समबडी रिंग्स, कोई दरवाज़ा खटखटाता है, नॉक करता है या घंटी बजाता है, somebody rings the bell or knocks the door, तो आप सिंपली पूछते हो who's there। जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया तो हम पूछते हैं who's there। जैसे इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपने कहा who's there, कौन है वहां, who's there। अब वहां पे सपोज आउटसाइड इफ ही इज योर फैमिली, ही और शी इज योर फैमिली मेंबर, तो वो सिंपली कहते हैं मैं हूं, तो फिर नाम नहीं बताते, बिकॉज यू रिकॉग्नाइज देयर वॉइस, आप उनकी आवाज पहचानते हो, इसलिए वो ये नहीं कहते कि मैं हूं राम प्रसाद गुप्ता, नो दे स्पीक इट्स मी और इट्स आई एम, तो ठीक है, तो इस तरीके से बोलते हैं वो। अगर कोई अनजान व्यक्ति है तो वो बोलता है इट्स मिस्टर एक्स हियर, तो कुछ भी आप जैसा आप समझे वहां पे ले सकते हैं, इट्स मी। जैसे अगर आप फैमिली मेंबर बाहर है तो वो इट्स मी बोल देगा, ठीक है। तो आप बोलते ठीक है आ रहे हैं हम, दरवाजा खोल रहा है, आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग, ठीक है, तो ये आपने बोला आई एम जस्ट कमिंग, फिर आप दरवाजा खोल देते हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सपोज इट्स योर अंकल एंड ही कम्स फ्रॉम आउट ऑफ द सिटी एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड, यू आर सरप्राइज्ड, तो आप देख के बोलते हो ओ हियर यू आर अंकल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज इट इज, Hey, what a pleasant surprise it is. तो इसको आप बोलते हैं Hey, what a pleasant surprise it is. You are here, uncle, or here you are, uncle. Here you are. अंकल, ठीक है, तो ये आपने कहा क्योंकि आपको एकदम आश्चर्य हुआ कि अंकल आ गए, हियर यू आर अंकल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, प्लीज कम इन, फॉलो मी, प्लीज कम इन, या आप कह सकते हो फॉलो मी, प्लीज कम इन फॉलो मी, ये आप बोल सकते हो। फिर अंदर जब आप ले जाते हो तो आप बोलते हो प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। अब क्या होता है जब आप किसी से पूछते हो कि कैसे आना हुआ, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। और सबसे पहले तो जब वो बोल बैठ गए तो आप पूछते हो हाउ आर यू अंकल, तो ये कॉमन है, आप जानते हो हाउ आर यू अंकल, हाउ इज एवरीबॉडी इन होम,
सब कैसे हैं? तो अंकल जवाब देंगे, यस आई एम फाइन, एवरीबडी इज फाइन एंड होप, सब लोग अच्छे से हैं। ओके, तो फिर आप पूछते हो, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? ब्रिंग्स यू हियर मतलब आपका आना कैसे हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? तो अंकल कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, जैसे हम बोल, लिख देता हूं मैं आपके लिए, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, मतलब वो कह रहे हैं कि बड़ा लंबा समय हो गया है हमको मिले हुए। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, सो आई थॉट, तो यहीं पे आप चाहो तो जोड़ सकते हो, सो दैट आई थॉट टू सी यू, तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं या तुमसे मिल लूं। तो अब किसी ने कहा मैं आपसे मिल लूं, ऐसा मुझे लगा, मैंने सोचा, तो आप बोलते, अरे ये तो बड़ा अच्छा काम किया आपने अंकल, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, ठीक है ना, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, तो ये हम बोल देते हैं, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, ये तो आपने बड़ा अच्छा काम किया, है ना। अब इसके बाद क्या होता है, हम किसी को पूछ भी सकते हो आपकी, आप क्या लेंगे, क्या चलेगा, तो या तो ऐसे, या हम डायरेक्ट ले आते हैं तब पूछते हैं, या कहते हैं प्लीज हैव टी, पहले पानी देते हैं, प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, या तो हम ये बोल दें प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी लीजिए। फिर हम पूछ भी सकते हैं चाहे तो, लाइक व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना चाहेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, समथिंग कोल्ड और हॉट, मीन यू लाइक टू हैव कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी और कोल्ड ड्रिंक, क्या लेना चाहेंगे। तो अगर जैसे उनको लगा तो वो बोल सकते हैं, अ कप ऑफ टी विल डू, है ना, अ कप ऑफ टी विल डू, मतलब एक कप चाय चलेगी, ठीक है, अ कप ऑफ टी विल डू। तो अब आप चाय लेके आ गए, उसके साथ कुछ लेके आ गए, बिस्किट लेके आ गए, तो फिर वही है, आप उनको ऑफर करेंगे प्लीज हैव टी, प्लीज हैव बिस्किट टू, है ना, तो प्लीज हैव टी और एंड बिस्किट टू, तो ये आप इस तरीके से कर सकते। तो ये मैंने आपको वो आइडिया दिया जो जनरल है, जो सब जगह बोलना ही है, कन्वर्सेशन का टॉपिक कुछ भी हो, लेकिन कोई आपके घर में आया है तो इसी तरह से बात होती है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल से नए नए वीडियोस देखते रहने के लिए। और अगर मैं हर वीडियो में अक्सर बोलता हूँ, अगर देखिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरी अपनी कैपेसिटी है, एक दिन में एक या दो वीडियो ही मैं बना पाता हूँ आप लोगों के लिए, और वो मेरा केवल ये एम है कि आप उससे सीख सकें। जो लोग मेरे से डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ना चाहते ऑनलाइन, तो वो मेरे वीडियोस देख के सीखते रहें, पढ़ते रहें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मेरे से वाकई में बहुत कम टाइम में स्पीकिंग या ग्रामर वट एवर, मीन इफ यू थिंक यू कैन अफोर्ड अ लिटिल फी टू लर्न इंग्लिश, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई हैव ऑलरेडी गिवन माई ईमेल आई डी एंड स्काइप आई डी हियर इन दैट वीडियो एंड बिलो दैट वीडियो। तो देखिए, अगर आप एफोर्ड नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो वीडियोज देखते रहिए। मैं टॉपिक कवर करने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मेरी अपनी लिमिट है, कैपेसिटी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कुछ पैसे खर्च करके इंग्लिश सीखना चाहते हैं और मेरे से सीखना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स
ऑल ओवर वर्ल्ड से हैं, जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ते हैं रोज, मेरे पास नए स्टूडेंट्स आते हैं। अगर आपको लगता है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे से। ईमेल आईडी, स्काइप आईडी है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। थैंक यू।